साथियों, प्रकृति में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे मौजूद हैं, लेकिन उनके गुणों और औषधीय प्रयोगों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वो आपके लिए घास पास की तरह होती हैं। जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण की इसी श्रृंखला में आज मैं आपको ऐसे बूटी के बारे में अवगत कराऊंगा जिसे एकेरेंथिस एक्सपेरा के नाम से जाना जाता है। इसको अपामार्ग भी कहते हैं। अपामार्ग यानी जो दोषों का संशोधन करे, उसे अपामार्ग कहते हैं। यह एक सर्वविदित सुप जातीय औषधि है जो चिरचिटा नाम से भी जानी जाती है। वर्षा के साथ ही यह अंकुरित होती है, ऋतु के अंत तक बढ़ती है तथा शीत ऋतु में पुष्प फलों से शोभित होती है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में परिपक्व होकर फलों के साथ ही पौधा भी शुष्क हो जाता है। इसके पुष्प हरी गुलाबी आभा युक्त तथा बीज चावल सदृश होते हैं, जिन्हें तांडुल भी कहते हैं। शरद ऋतु के अंत में पंचांग का संग्रहण करके छाया में सुखाकर बंद पात्रों में रखते हैं। बीज तथा मूल को पौधे के सूखने पर संग्रहित करते हैं। इन्हें एक वर्ष तक प्रयुक्त किया जा सकता है। अपामार्ग मूलतः मानस रोगों के लिए मुख मार्ग से प्रयुक्त होता है, पर वायु प्रयोग के रूप में भी इसका चूर्ण मात्र सुखाने से आधा सीसी का दर्द, बेहोशी, मिर्गी में आराम मिलता है। नेत्र रोगों में इसका अंजन लगाते हैं एवं कर्णशूल में अपामार्ग का सार सिद्ध तेल प्रयोग किया जाता है। चर्म रोगों में इसके मूल को पीस कर प्रयुक्त करते हैं। इसके पत्रों का स्वरस दांतों के दर्द में लाभ करता है तथा पुराने से पुराने कैविटी को भरने में मदद करता है। व्रणों, विशेषकर दूषित व्रणों में इसका स्वरस मलहम के रूप में लगाते हैं। इसका वायु प्रयोग विशेष रूप से जहरीले जानवरों के काटे स्थान पर किया जाता है। शोध वेदना युक्त विकारों में इसका लेप करते हैं अथवा पुल्टिस बनाकर सेकते हैं। वेदना मिटती है, वो धीरे धीरे सूजन उतर जाती है। यह ऐसा पौधा है कि भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में, जंगली अवस्था में, शहरों में, गाँव में, सर्वत्र पाया जाता है।